everyone to All for Love. We are talking about the fact कि आपका जो भी dream partner है उसको कैसे पटाए. Eman ने बड़े मजेदार चीजें हमें बताई, because Eman बहुत सारी लड़कियों को पटाता है हर दिन, at least 10. तुम्हें ही पटाया यार 1970 में जब तुम 10 साल की थी. तो मतलब तुम तो 80 के हो गया. ठीक है, तुम 70 की? नहीं 70 की, नहीं नहीं 70 नहीं नहीं अच्छा पर तुम 120. ठीक है डैनी, अच्छा चुप कर जाओ तुम. एनीवेज आवर नंबर इज 256-3705. आप लोग प्लीज कॉल करें और आप हमें बताएं कि आप कैसे पटाएंगे अपने ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल को. और अगर आपने आज तक हो सके ऑब्वियसली जिंदगी में कभी ना कभी तो कोशिश की होगी अपने से मुश्किल लड़की फंसाने की, मतलब अपने से जरा एक कुछ भी ट्राई कर लूं. चलो हम कॉल ले लेते हैं इसी खुशी में रोनी फादी. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रही है? हेलो, आप कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मैं महविश बात कर रही हूँ, गुलशन से. मतलब आप कराची गुलशन से ना? कराची गुलशन ऑफ कोर्स. बिल्कुल. कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक. आप ठीक हो? बिल्कुल फिट फाट. क्या कहेंगी टॉपिक के बारे में नाजिश? जबरदस्त टॉपिक. सबसे पहले बहुत मजा आ रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत फनी आंसर आ रहे हैं आपके पास. ठीक है, थैंक यू. कहेंगी क्या आप? ये आप लोग ही इतने फनी फनी आंसर दे रहे हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में. ठीक. अच्छा मुझे बताओ, इंटरेस्टिंग दे रहे हैं ना प्रोग्राम को. ऑफ कोर्स. अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा कोई ड्रीम पार्टनर है? हाँ है. तो उसको तुमने कैसे पटाया था? उसको कैसे पटाया था ये बताती. मैंने क्या किया था, मतलब कभी किसी ने ऐसा किया ही नहीं होगा जो मैंने किया था. क्या बताओ? मुझे अट्रैक्ट, पहले मैं कहीं जॉब करती थी, मतलब जॉब नहीं करती थी, फील्ड पे होती थी अपने, तो मुझे वॉच करता था बहुत ज्यादा, आता था जाता था. तो मुझे भी जब अट्रैक्शन शुरू हुई तो मैं गई, एक रख के थप्पड़ दे दिया. तुमने चमाट लगा दी उसको? चमाट लगा दी पब्लिक प्लेस पे, चमाट लगा दी. फिर वो रोना शुरू हो गया? नहीं रोना नहीं शुरू हो गया, मतलब वो मतलब सुन हो गया, क्या हो गया ये सब सब रिएक्शन देने लग गए और पास में जितने भी लोग थे. फिर मैंने कह दिया आई लव यू टू. I love you too कहाँ से आया, मुझे ये समझाओ. मतलब उसका तो वो मुझे प्रपोज कर चुका था ना पहले. पहले सीन, तो ये तो बड़ी गेम हुई है. मुझे वॉच करता था, देखता था ये वो, मतलब मैं कोई इसको रिएक्शन नहीं दे रही थी. अच्छा इसपे पता क्या हो सकता है, इसपे तो आप मूवी लिख सकते हैं पूरी. अगर आपने मेरे, आप अगर हीरोइन बनेंगी तो शायद मैं बन जाऊँ हीरो. ठीक है, चले शुक्रिया कॉल करने का राजेश, बहुत शुक्रिया. ये सबसे आई थिंक फनी और एब्सर्ड और वो चीज हुई कि अगर आपको, मुझे तो कोई लड़की थप्पड़ मार मुझे मुड़ के देखूंगी. चल भाई तू जितनी भी अच्छी थी भाई, तू थप्पड़ क्यों मारा मुझे, मतलब मैंने क्या किया? तुमने देखा तो क्या देखना मना है क्या? मेरी आंखें में जिसकी मर्जी, मैं जो देखूं. नहीं ऐसे नहीं चलता ना कि आप जिसको देखें चाहे देखें आप देख लें. क्यों? अच्छा तुम तो हर किसी को देखती हो. मैं तो किसी को नहीं देखती भाई. ओ, जो मैं घोड़े वाले वो लगे हुए ना, ब्लाइंडर्स लगे हुए, जैसे मैं इधर देखती. बस बस ओके. कौन सी? हां क्या, व्हाट? सुनिए आई थिंक हमारे पास कॉल शॉल आ गई. नहीं नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं ऐसे. अच्छा ओके, सो यू एमन इज गोइंग टू कीप टॉकिंग. सो एनीवेज, तुम्हारा लगता है तुम क्या देखती हो? अच्छा एमन, हु इज योर ड्रीम गर्ल? माई ड्रीम गर्ल मैंने बताया ना कटरीना. नहीं नहीं डिस्क्राइब भाई, कटरीना के अलावा आगे आगे चलो ना यार. मेरी ड्रीम गर्ल ऑनेस्टली स्पीकिंग फादी, आई नो दिस माइट साउंड वेरी सैड, आई डोंट थिंक आई हैव एवर मेट माय ड्रीम गर्ल. हां ऑनेस्टली मैं कभी नहीं मिला अपनी ड्रीम गर्ल से, मतलब कोई ऐसी, दिस इज साउंडिंग वेरी, मतलब ऐसी कभी जिंदगी में मैंने लड़की नहीं देखी, मैं देखा मैंने कहा वाओ बस यही है. और मैंने उसके लिए कुछ किया भी हो, मतलब हर लड़की को देख के कहता हूँ, लेकिन वो मतलब एक हफ्ते बाद होता है ना. नहीं नहीं, नहीं 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 ऐसे नहीं होता, कुछ कुछ के बारे में आप छह महीने बोलते और फिर कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मसला ही है ना. मैंने किया ना, मैंने किया भाई ये तो ड्रीम गर्ल तो नहीं है ना. ड्रीम गर्ल वो जो हासिल भी किया आपने फिर उनके साथ कोई. तो भाई ड्रीम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक अ ड्रीम इज? अ ड्रीम इज समथिंग दैट यू नो इज जस्ट इतना बिट हार्ड टू अचीव. हाँ. वो ड्रीम होती है ना दैट अल्टीमेट पॉइंट, दैट अल्टीमेट पिनकल इज योर ड्रीम. अच्छा बिफोर वी, मतलब ऑब्वियसली अभी हम लास्ट सेगमेंट में, लेकिन हम आपको बताते चलें दो तीन पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में अभी भी हैं, वो ये हैं कि ऑब्वियसली एक चीज और भी होती है कि जो ये जो जिसने हमने बोला था कि सेल्फलेस, अगर आप सेल्फलेस नहीं है तो सेल्फलेस नहीं बने, अगर आप सेल्फिश इंसान है तो आप सेल्फिश ही रहे, बट बी जेन्युइन व्हाटएवर यू आर, फेक नहीं बने. अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है
तो पहली दफा उसको इम्प्रेस करने के लिए ये नहीं कि आप दिखा रहे हैं आपकी नॉलेज बेस को इतनी बढ़िया कि वो डर ही जाए. और ऑब्वियसली उसके अगर अब एक इंसान होता है ना जब आप किसी से बात करें पहली दफा तो कीप हर इंटरेस्ट इन माइंड ऑल्सो कि वो क्या किस बारे में बात करना चाह रही है, वो क्या बोल रही है, उसकी भी सुने, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. बी ऑब्वियसली जेंटल. जेंटल का मतलब ये कि ये नहीं कि आप वहाँ बैठ के पान की पी के मार रहे हैं उसके पहली दफा देखें, मतलब थोड़ा सा जेन्युइन रहें और जेंटल रहें. बी गुड. एंड आई थिंक सबसे अहमद इन एनी रिलेशनशिप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आप असली दोस्त बन के रहो. लाइक बी देयर फॉर हर. You need to be there for her. उसके अलावा आपने जितनी अपने चीजें करनी ना आप करें, बट जरूरी सबसे ये be a friend to her when she needs you, whenever she needs you, be there for her. Don't turn your back on her. Then she'll love you for the rest of your life. I'm telling you. Personal experience. तुम्हारा ना? तुम्हारा है, तुम्हारा जी नहीं, दूर हो जाओ नहीं. Call ले लेते. Hello. Hello. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम. कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मैं अलीजे बात कर रही हूँ कराची से. अलीजे कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही अलीजे. क्या कहेंगी टॉपिक के बारे में अलीजे? अलीजे हेलो. अगर कोई अच्छा टॉपिक रिपीट करेंगे आप? हाँ टॉपिक मैं रिपीट कर देता हूँ. टॉपिक ये है कि अगर आपको आपका ड्रीम पार्टनर मिल जाता है तो आप उसको कैसे फंसाएंगी? फंसाएंगी मतलब इन द सेंस कि उसके साथ आपको नोटिस करे वो, आप क्या क्या ऐसी चीज करेंगे आपको नोटिस कर ले और आपको भी पसंद करे. उसके सामने अपनी अच्छी सी रेपो बनाएंगे. नहीं वो लंबी नहीं, बच्चे हैं. आपके पास एक घंटा है, आपको कहीं वो पब्लिक प्लेस में नजर आया और आप चाहती हैं आप किसी का नोटिस, वो आपको नोटिस कर ले, क्या करेंगी आप? कोई भी ऐसा एक्ट करूंगी उस जिससे मैं नोटिस हो जाऊं. क्या अच्छा करूंगी? ये एक्शन क्या होगा? लानत देंगी. ये तो मुझे लगता है हिम्मत करते. अच्छा बताएं. लड़कियों का सबसे बड़ा टूल ही स्माइल है. तुम्हारे सामने कोई चार लड़कियां स्माइल कर रही हो, तुम कैसे पिक करोगी कौन सी वाली? देखूंगा किसकी स्माइल ज्यादा अच्छी है. बस बस वाह भाई क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा है ना. अलीजा आपकी स्माइल कैसी है? बहुत अच्छी है. चलिए तस्वीर भेजेगा उसकी मुझे. थैंक यू. ठीक है शुक्रिया कॉल करने का. शो देखती रहेगा कॉल. ओके अहमद, यू हैव मैनेज्ड टू फ्लर्ट विद ऑल ऑफ आवर कॉलर्स टुडे बिकॉज़ ऑल ऑफ देम आर वुमेन. सो यू लव फ्लर्टिंग? ऑफ कोर्स. दैट्स टेरिबल. एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट अबाउट फ्लर्टिंग. नो व्हाट यू फनी पार्टी हवा निकालो. चलो अभी शो के बारे में बात करते हैं. ये अब ना ये टूटने वाले अनकरीब. तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा, मैं नहीं तोड़ूंगा, प्रॉमिस. मैं नहीं तोड़ूंगा तुमसे. क्या है तुमने तो इधर कनेक्शंस. हां दिल्स का कनेक्शन. नो कनेक्शन. विंटर्स या कनेक्शन. अच्छा डोंकी शू. डोंकी मुझे डोंकी बोल रही है भाई ऑन एयर यार. मैं पिंटोस बोल रहा हूं तुम्हें. आई डोंट इवन नो व्हाट दैट मींस. डू नॉट गो ऑफ टॉपिक. लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट ड्रीम बॉय गेट्स अ बताया. अब मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली अगर आपको कोई पसंद आता है, पहली बात ये कि फर्स्ट यूजुअली ये होता है कि जब आप पहली दफा किसी इंसान को देखते हैं द लाइकिंग बिट द यू नो गेटिंग टुगेदर बिट इट ऑल स्टार्ट्स विद द फिजिकल अट्रैक्शन. आपको पसंद आता है लुक्स वाइज, फिर आप उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद जो है आप बाकी चीज़ें होती हैं. तो अगर आपको कोई पसंद आता है सिंपल सी चीज़ आप ये करें कि यू नो बी योरसेल्फ. ट्राई इफ़ यू वांट हर टू नोटिस यू जस्ट उसके कॉन्फिडेंस अपना रखें, अपने आप में इतना भरोसा रखें कि आप कर सकते हैं, उसे बात करें. अगर वो इंटरेस्टेड होगी नहीं होगी वो आपको आई थिंक पहली मीटिंग में पता जाएगा. अगर इंसान इंटरेस्टेड नहीं होता तो आपको लिफ्ट ही नहीं कराएगी. ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी ईगो पे ना ले ले कि ओ यार मेरी तो बेइज्जती कर देगी, बेइज्जती नहीं करेगी. भाई अगर नहीं करोगे तो फिर पता क्या चलेगा कि क्या है क्या नहीं है. और जब ये सब कर लेना, आपने अटेंशन गेन कर ली, हर चीज़ कर ली, डू नॉट लाई, बी योरसेल्फ. ओके एंड मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रामे करें उसकी अटेंशन गेन करने के लिए. जस्ट बी योरसेल्फ. एंड यू नो बॉयज़ की हमेशा आदत होती है कि वो हर लाइक एक आखिरी पत्ता अपनी पॉकेट में रख के ना घूमते हैं. कौन से बॉयज़ वो नहीं करें, वो बिल्कुल नहीं करें. वो किया ना बस दैट्स इट, इट्स ओवर, गुड बाय, से बाय बाय टू योर ड्रीम. अच्छा मास्टर में आ जाएंगे. पता नहीं फाती कौन से लड़कों से मिलती है और भाई वो अपने पत्ते जो है जेब में रखते हैं. हम तो ऐसे लड़के, हम तो मेरा तो एक रूल है भाई, ये कार्ड अपने जो है ना सामने रख दो, बोलो ये मेरे कार्ड है. प्लीज इसकी कोई बात नहीं सुने आप. आज इसने फ्लर्ट किया पूरा. हमारा ईमेल एड्रेस है पिंटोस, बात करना बंद करेगी तो डोंकी इशू हो जाओ तुम. ऑल फॉर लव एट म्यूजिक TV. और उसके अलावा हमारी फेसबुक एक ग्रुप है ऑल फॉर लव के नाम से, प्लीज ज्वाइन करें, सजेशंस दें वहाँ पे. और बताएं फातिमा को कितना वेट लूज करना चाहिए एग्जैक्टली exactly. और इसका नाम पिंटोज अच्छा लगा कि नहीं लगा? नहीं, डॉन्कीज इनका अच्छा लगा, यू नो बिग बिग इयर्स डॉन्की बाय पिंटोज. तो हम मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते ऑन ऑल फॉर लव. टेक केयर, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय.